नहीं बोलेगा, भूखे मरे रोड पर आदमी आएगा छीन छोड़ करेगा क्या करेगा। डीजे के धुन पे मैंने परेशानी ज्यादा हो रही है, भीड़ ज्यादा हो रहा है, भीड़ ज्यादा हो रहा है। और बैंड में और जुलूस में नहीं होता था, कुछ कहते हैं ये रैली निकालते हैं तो उसमें नहीं होता है। हम लोग को 150 आदमी में भीड़ लग जाता है। छठ वगैरह हुआ उसमें भी लाखों की भीड़ हुई, डीजे में ज्यादा भीड़ हो जाती है। अगर सर डीजे नहीं बजाता तो भूखे मर जाएंगे। सरकार ने कहा है कि अब बारात में डीजे नहीं बजेगा, डीजे की धुन पर भीड़ ज्यादा लगती है, कितनी परेशानी होगी आपको? डीजे की धुन पे मैंने परेशानी ज्यादा हो रही है, भीड़ ज्यादा हो रहा है, भीड़ ज्यादा हो रहा है। और बैंड में और जुलूस में नहीं होता था, कुछ कहते हैं ये रैली निकालते हैं तो उसमें नहीं होता है। हम लोग को 150 आदमी में भीड़ लग जाता है। इतना परेशानी के मतलब परेशानी नहीं, बहुत बड़का परेशानी ये है कि 2 साल से हम लोग को पहले तो समझ के लॉकडाउन, और जब भी शादी ब्याह का मौसम आता है वही टाइम लॉकडाउन। हम लोग शादी ब्याह से पहले सब तैयारी करते हैं कि चलो भाई जो है मैनेज हो, लेकिन सब हो कहाँ रहा है, कुछ तो हो नहीं। लगन से पहले ये है कि लॉकडाउन, और ये थोड़ी होता है। मुझे हर चीज़ के जुलूस निकालें, प्रचार प्रसार करवाएं, उस समय ठीक है, उस समय तो हो ही रहा है, तो हम लोग क्या दिक्कत है? 150 आदमी की भीड़ में कोई दिक्कत है नहीं, बच गया काम धंधा के अति टेंशन प्रेशर। तो हम लोग ऐसा बात नहीं है कि इससे भी कम से कम 100 घर चलता है। बंद होने से समझिए कि पूरा डिस्टर्ब ही, मैंने समझिए कि आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगा। इतना आदमी हम लोग पूंजी लगा दिए, कमाई होबे नहीं करेगा तो क्या करेंगे। ये लेकिन सरकार से प्रार्थना है कि हर स्थिति में हमें डीजे बजाने की इजाज़त दिया जाए। बिहार सरकार ने अनलॉक के 9 के तहत कहा है कि अब बारात में डीजे नहीं बजेगा, कितनी परेशानी होगी आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर डीजे नहीं बजेगा तो हम लोग के बाल बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा? 2 साल से हम लोग लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी है, यहाँ तक कि कर्ज के कगार पर सभी बैंड वाले आ चुके हैं। आर्थिक परिस्थिति हम लोग को बहुत दयनीय हो चुकी है। हम लोग कलाकार हैं, इसके अलावा साइड बिजनेस कुछ है नहीं जो कि बाल बच्चे का भरण पोषण कर सकते हैं। कलाकारी शादी विवाह के में हम लोग दिखलाते हैं, उससे 2 पैसा कमाते हैं। अगर सरकार इस पर पाबंदी लगा देंगे तो हम लोग के बाल बच्चे कैसे पोसाएंगे? सरकार का कहना है कि डीजे से भीड़ ज़्यादा लगती है। तो डीजे बंद कर देंगे तो और भी तो जुलूस उलूस में से भी भीड़ लगती है। यहाँ छठ वगैरह हुआ उसमें भी लाखों की भीड़ हुई। कोरोना के अनलॉक को लागू किया है और कहा है कि अब बारात में डीजे नहीं बजेगा। नहीं बजेगा, भूखे मरेगा रोड पर आदमी आएगा छीन छोड़ करेगा क्या करेगा, गरीब गरीब मरेगा। एक दुकान से 500 आदमी जी रहा है, उसका क्या होगा? गरीब मरबे नहीं करेगा ना, डीजे कभी बंद करेगा कभी बैंड बंद करेगा तो गरीब कहाँ से जिएगा? किराया पर दुकान है दे रहा है, बाल बच्चा का भोजन पाती सब इसी दुकान से ना चल रहा है ना। सरकार का कहना है कि डीजे से भीड़ ज्यादा लगता है। तो सब पर तो भीड़ लगता है, जुलूस में भीड़ नहीं लगता है, जुलूस में तो भीड़ लगता है, रैली भी कीजिए तो भीड़ लगता है, बैंड बजाने भीड़ लगता है, 100 आदमी रहता तुम्हें भीड़ लगता है, या 10 करोड़ आदमी रहता उसमें भीड़ नहीं होता, उसमें कोरोना है कि नहीं है? ये पहले बताइए कोरोना है कि नहीं? 10,000 आदमी का जुलूस निकालते हैं तो उसे नहीं कोरोना है? अब 100 आदमी का बैंड में जुलूस में कोरोना होता है? सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए कि क्या देख रहे हैं, गरीब आदमी मरा नहीं आओ क्या? अपना जुलूस है तो अच्छी नहीं है, कोरोना नहीं है, गरीब को बैंड बजाई गले कोरोना हो रहा है। बिहार सरकार ने अब डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि कोरोना को देखते हुए अनलॉक 9 में अब आप डीजे नहीं बजा सकते हैं, डीजे बारात में नहीं ले जा सकते। अगर सर डीजे नहीं बजाता तो भूखे मर जाएंगे। अगला साल भी लॉकडाउन में भी ऐसा ही हुआ था, अभी भी कितना कर्जा पड़ा हुआ है, किराया भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, इसे तो हम लोग तो भूखे मर जाए हम लोग। इससे सरकार की उम्मीद है कि इसको कुछ कार्रवाई करें। सरकार ने तो कह दिया नहीं बजेगा डीजे, तो नहीं भेजा तो सर तो कितना बैंड वाले हैं यहाँ? 55-60 हैं बैंड के दुकान, सारे भूखे लोग मर जाएंगे, कैसे परिवार चलेगा? भीड़ ज़्यादा लगता है डीजे से, इसीलिए जी डीजे से भीड़ ज़्यादा लगता है, इसीलिए ये नियम निकाला गया। हाँ तो सब कुछ करेगा ना, कुछ तो करना चाहिए ना सरकार को।